आपके साथ कांची बंसल, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पेगासस मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पेगासस स्पाईवेयर मामले में कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया। सीजीआई ने फैसला देते हुए कहा कि आरोपों में तकनीक के दुरुपयोग को लेकर अदालत इस मामले में सभी मूल अधिकारों का संरक्षण करेगी। इस मामले पर अदालत में और क्या क्या कहा गया, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पेगासस मामले में अदालत ने कहा कि आरोपों में तकनीक के दुरुपयोग को लेकर अदालत इस मामले में सभी मूल अधिकारों का संरक्षण करेगी। जिन लोगों के अधिकार में हनन हुआ है और निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसका ध्यान रखते हुए अदालत का मानना है कि तकनीक सुविधा के साथ नुकसान का साधन बन सकती है, जिससे निजात का उल्लंघन हो सकता है और अन्य मूल अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जीवन और स्वतंत्रता के मद्देनजर निजता के अधिकार का ध्यान रखने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र में अहम है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाली याचिकाओं से अदालत सहमत नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया कि ये याचिकाएं अखबारों में छपी खबरों पर आधारित हैं और मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की गुजारिश की गई है। कोर्ट की तरफ से कई बार जवाब मांगे जाने के बाद भी व्यापक हलफनामा सरकार ने नहीं दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए अदालत आरोपों को परखने के लिए काम करेगी। अदालत विशेष समिति का गठन कर रही है ताकि सच सामने आए। इस समिति में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज आरवी रविंद्रन, आईपीएस आलोक जोशी, संदीप ओबेरॉय और इसके अलावा 3 तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। जस्टिस रविंद्रन के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा, फोरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी काम करेगी। तकनीकी समिति में 3 सदस्य शामिल होंगे, डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक और डीन राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात, डॉक्टर प्रभारन पी, प्रोफेसर इंजीनियरिंग स्कूल अमृता विश्वविद्यापीठम अमृतापुरी केरल, डॉक्टर अश्विन अनिल गुमत्से, संस्थान के अध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे महाराष्ट्र। आज पेगासस स्पाईवेयर मामले में सीजीआई ने सीजीआई जॉर्ज ऑरवेल के एक उदाहरण को पढ़कर आदेश सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक रहस्य रखना चाहते हैं, तो आपको इसे अपने आप से भी छुपाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ याचिकाकर्ता पेगासस के प्रत्यक्ष शिकार हैं। ऐसी तकनीक के उपयोग पर गंभीरता से विचार करना केंद्र का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सूचना के युग में रहते हैं और हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, पर न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि सभी नागरिकों के लिए निजता के अधिकार की रक्षा करना भी जरूरी है। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि इस मुद्दे पर केंद्र की तरफ से कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है और इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करती है, जिसका काम सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।